नमस्कार, मेरा नाम तेजेंद्र और आप देख रहे हैं यूडब्ल्यूटी नेटवर्क। जी हाँ, ये हमारा एक यूट्यूब चैनल है और जिससे कि आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ये यूट्यूब यूडब्ल्यूटी नेटवर्क के यहाँ पे सब्सक्राइबर लगभग यहाँ पे 1500 हमारा परिवार होने वाला है। और जो भी व्यक्ति हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें। आपको बता दूँ, यहाँ पर प्ले लिस्ट पर जाएँगे आप, यहाँ पर प्ले लिस्ट में आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपडेट्स यहाँ पे आपको डेली न्यूज़, एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारियाँ यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की कुछ जानकारियों के बारे में। चलिए बिल्कुल समय को देना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बी हैप्पी, बी हेल्थी, वी वेल्थी। जी हाँ, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और कुछ पैसा भी कमाते रहिए। और सभी के लिए बहुत सारा प्यार, यूडब्ल्यूटी नेटवर्क। यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ यहाँ पे मैथ्स से रिलेटेड कुछ चिन्हों के बारे में। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे जोड़, जोड़ का यहाँ पे ऐसा निशान होता है प्लस वाला। और नेक्स्ट यहाँ पे जो दूसरा चिन्ह है यहाँ पे वो है घटाव का। नेक्स्ट यहाँ पे गुणा का निशान, ये है गुणा का निशान। और नेक्स्ट है यहाँ पे भाग का निशान है, ये प्रतिशत का निशान है। ये नेक्स्ट है यहाँ पे ये चौकी का निशान है, ये वाला, ये इसलिए का है, ये त्रिभुज का है, ये ओम इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अनंत है, ये यहाँ पे ये अनंत है, ये फाई पाई बोलते हैं इसको, लिए इसके लिए ओमेगा बोलते हैं। ये अंश का चिन्ह है यहाँ पर, ये नेक्स्ट है यहाँ पर ये लंब का चिन्ह है, ये थीटा का चिन्ह है, ये है फाई का चिन्ह, और यहाँ पे ये है बराबर का चिन्ह, ये है बराबर नहीं है, ये वर्गमूल का चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक का है, ये अल्फा का है, ये समांतर का है, ये समरूप का चिन्ह है। नेक्स्ट यहाँ पे है अनुपात का चिन्ह है, ये इसके लिए बोलते हैं अनुपात का चिन्ह, ये है समानुपात का, इसके लिए बोलते हैं। और ये है फैक्टोरियल का चिन्ह, ये नेक्स्ट है यहाँ पे, ये फलन का है, ये है फलन का, इसे बोलते हैं एट द रेट बोलते हैं, इसके लिए हिंदी बोलते हैं की दर से, ये है जैसा कि का चिन्ह है यहाँ पे, ये प्रतीक का चिन्ह है। और नेक्स्ट है यहाँ पे इसके लिए बोलते हैं छोटा कोष्टक, ये मझला कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक, ये है से बड़ा है, से छोटा है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये है लगभग का चिन्ह है यहाँ पे, इसे के लिए घनमूल का चिन्ह है ये, और ये है ताऊ बोलते हैं इसे, ये सर्वागसम सभी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे चिन्ह है जो ये है, इसके लिए बोलते हैं अस्तित्व में है, इसके लिए बोलते हैं अस्तित्व में नहीं है, इसके लिए बोलते हैं कोण, कोण का चिन्ह है, ये सिग्मा का चिन्ह है, ये साई का चिन्ह है, ये डेल्टा का चिन्ह है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये है लैम्डा का चिन्ह, ये समांतर नहीं है, ये समरूप नहीं है, ये अवकलन का है, इसके लिए अवकलन का है, ये के काफ़ी बड़ा हो गया ये। और यहाँ पे ये है इसके ओके समुच्चयों का सर्वनिष्ठ का चिन्ह है, ये है समुच्चयों का सम्मिलन, ये 55 में जो चिन्ह है यहाँ पे, ये है केवल और केवल यदि, इसके लिए बोलते हैं सदस्य है, इसके लिए सदस्य नहीं है, इसके लिए बोलते हैं परिभाषा, इसके लिए म्यू और इसके लिए समाकल। नेक्स्ट है यहाँ पे इसके लिए बोलते हैं उपसमुच्चय है, इसके लिए संकेत करता है, यह है मापांक, यह है मिनट और यह है सेकंड का चिन्ह। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे महत्वपूर्ण फार्मूले हम जानकारियाँ दी हैं, यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करेंगे, यहाँ पे फार्मूले की बात। ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2, नाइट्रोजन का N2, हाइड्रोजन का H2। नेक्स्ट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2,
CO2। नेक्स्ट है यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला होता है CO, सल्फर डाइऑक्साइड का SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का NO2, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं इसके लिए NO, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं इसके लिए N2O। नेक्स्ट है क्लोरीन का फार्मूला होता है Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है HCl। नेक्स्ट है यहाँ पे अमोनिया, अमोनिया का फुल फॉर्म होता है NH3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला होता है HCl। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3। फास्फोरिक एसिड का फार्मूला होता है H3PO4। नेक्स्ट यहाँ पे है कार्बोनिक एसिड का फार्मूला होता है H2CO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है KOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, लवण बोलते हैं इसके लिए। नेक्स्ट फार्मूला है यहाँ पे ये कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3। कार्बोनेट सोडियम का फार्मूला होता है Na2CO3। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl। कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला होता है CaSO4। नेक्स्ट है यहाँ पे अमोनिया, अमोनियम सल्फेट का फार्मूला होता है यहाँ पे NH4 का होल ट्वाइस SO4। नेक्स्ट यहाँ पे नाइट्रेट पोटेशियम का फार्मूला होता है KNO3। अब यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे आम रसायनों के व्यावसायिक एवं रासायनिक नाम, व्यावसायिक नाम IAPUC नेम, ठीक है, इसके लिए अणुसूत्र बोलते हैं। चाक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अंगूर का सत ग्लूकोज C6H4H12O6। नेक्स्ट है यहाँ पे अल्कोहल, इसका IUPAC नेम है एथिल अल्कोहल C2H5OH। नेक्स्ट है यहाँ पे कास्टिक पोटास, इसका IUPAC नेम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। नेक्स्ट है यहाँ पे खाने का सोडा, इसका फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट NaHCO3। नेक्स्ट है यहाँ पे चूना, इसका IUPAC नेम है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। नेक्स्ट है यहाँ पे जिप्सम, इसका IUPAC नेम है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O। नेक्स्ट है यहाँ पे TNT यानी कि ट्राई नाइट्रोटाइलीन C6H2CH3NO2 का होल थ्राइच। नेक्स्ट है यहाँ पे धोने का सोडा, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नेक्स्ट है यहाँ पे नीला थोता कॉपर सल्फेट CuSO4। नेक्स्ट है यहाँ पे नौशादर यानी अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। नेक्स्ट है यहाँ पे फिटकरी, फिटकरी को बोलते हैं पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, इसका फार्मूला होता है K2SO4Al2SO4 का होल ट्राइच 24H2O। नेक्स्ट है यहाँ पे बुझा चूना, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है यहाँ पे मंड यानी कि इसको बोलते हैं स्टार्च C6H10O5। नेक्स्ट यहाँ पे है लाफिंग गैस, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट है यहाँ पे लाल दवा, इसका इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, फार्मूला होता है इसका KMnO4। नेक्स्ट है यहाँ पे लाल सिंदूर, इसको बोलते हैं लेड पर ऑक्साइड यानी कि Pb3O4। नेक्स्ट है यहाँ पे शुष्क बर्फ, इसको बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि इसका फार्मूला होता है CO2। नेक्स्ट है यहाँ पे सोरा, इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, इसका फार्मूला होता है KNO3। नेक्स्ट है यहाँ पे सिरका यानी कि इसको बोलते हैं एसिड का, एसिटिक एसिड का तनु घोल, फार्मूला होता है इसका CH3COOH। नेक्स्ट है यहाँ पे सुहागा, इसको बोलते हैं बोरेक्स, इसका फार्मूला होता है Na2B4O7 10H2O। नेक्स्ट यहाँ पे है स्प्रिट, इसको बोलते हैं मैथिल अल्कोहल यानी कि CH3O4, इसका फार्मूला होता है
नेक्स्ट है यहाँ पे स्लेट, इसको बोलते हैं सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका फार्मूला होता है Al2O3 2SiO2 2H2O। नेक्स्ट है यहाँ पे हरा कशिश, इसको बोलते हैं फेरिक सल्फेट Fe2SO4। ठीक है, यहाँ पे अब बात करेंगे यहाँ पे फल फूल सब्जी आदि का वैज्ञानिक नाम। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमोसैम्पियस। नेक्स्ट मेढक का राना टेग्रीना। नेक्स्ट बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का कैनिस फैमिलियर्स। गाय का बॉस इंडिक्स। नेक्स्ट है यहाँ पे भैंस का बुवालिस। वैल का वॉस प्रिमिजीनियस टारस। बकरी का कैप्टा हिकमस। भेड़ का ओबीज अराइज। सुअर का सुसफ्रोका डोमेस्टिका। शेर का पैंथरा लियो। बाघ का पैंथरा टाइग्रिस। चीता का पैंथरा पॉर्डोस। भालू का यहाँ पे उर्सुस मैटिलिमस कार्निबेरा। खरगोश का यहाँ पे फार्मूला, वो यहाँ पे वैज्ञानिक नाम है जो किसका, खरगोश का ऑरेक्टोलेगस कुनिकुलस। नेक्स्ट हिरण का वैज्ञानिक नाम है सर्बस एलाफस। ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमलेस डोमेडेरियस। लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम है कैनिडे। लंगूर का वैज्ञानिक नाम है होमी नोडिया। नेक्स्ट है यहाँ पे बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम है रूस सर्वस डूबासेली। मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। आम का वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। धान का फार्मूला है यहाँ पे, धान का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ओरिजया सैटिवाट। गेहूँ का वैज्ञानिक नाम है ट्रैक्टिकम एस्टिबियम। मटर का वैज्ञानिक नाम है पिसम सोटिबियम। सरसों का वैज्ञानिक नाम है बेसरिका कैपेस्ट्रीज। मोर का वैज्ञानिक नाम है पाबो क्रस्टेसस। हाथी का है वैज्ञानिक नाम एफिलास इंडिका। नेक्स्ट यहाँ पे डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लैटिनिस्टिका गैंगेटिका। कमल का वैज्ञानिक नाम है नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस वेंडालेसिस। घोड़ा का वैज्ञानिक नाम है इक्वस कैविलस। गन्ना का वैज्ञानिक नाम है सुग्रेन्स ऑफिसी नेरम। प्याज का वैज्ञानिक नाम है ओलियम सिपिया। कपास का वैज्ञानिक नाम है गैसिपियम। मूंगफली का एरेकिस। कॉफ़ी का कॉफिया अरेबिका। चाय का है यहाँ पे थिया साइनेसिस। अंगूर का विटियस। हल्दी का वैज्ञानिक नाम है कुरकुमा लोंगा। टमाटर का लाइक्रोप्रेसिन एस्कुलेटम। नारियल का है कोको न्यूसीपेरा। सेब का है मेलस म्यूपिया या इसको बोलते हैं डोमेस्टिका। नाशपाती का वैज्ञानिक नाम है पायरस क्यूमिनस। केसर का है क्रोकस सैटिवियस। काजू का एना कार्डियम एरोमेटिकम। नेक्स्ट यहाँ पे गाजर का नाम है यहाँ पे वैज्ञानिक नाम डाकस कैरोटा। अदरक का है जिंजिवर ऑफिसिनियल। फूल गोभी का है ब्रासिका ओलेरेसिया। लहसुन का है एलियम सेराइवन। बांस का है बेमुसा इस्पे। बाजरा का है पेनिसिटम एम्ब्रिकोनम। लाल मिर्च का है यहाँ पे वैज्ञानिक नाम कैप्सियम एनुअम। काली मिर्च का है पाइपर नाइग्रम। बादाम का वैज्ञानिक नाम है प्रोनस अर्मेनिका। इलायची का है यहाँ पे वैज्ञानिक नाम प्रोनस अर्मेनिका। इलायची का वैज्ञानिक नाम है इलिटेरिया कॉर्डेमोमम। केला का वैज्ञानिक नाम है यहाँ पे म्यूजा पैराडिसिया का। और यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे मूली का वैज्ञानिक नाम है रेफिनस। अब यहाँ पे बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। चलती तरंग है तो वे अपने साथ ले जाती हैं क्या चीज़, ऊर्जा। नेक्स्ट है यहाँ पे सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, क्रीट आंसर है इसका। नेक्स्ट है यहाँ पे कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इस आंसर है इसका ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट है यहाँ पे गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, कवकों द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, आंसर है इसका JL Waird। नेक्स्ट है यहाँ पे किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, आंसर है इसका एपिथीलियम ऊतक।
नेक्स्ट यहाँ पे मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? आंसर है इसका कुत्ता। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? आंसर है इसका डेवी। नेक्स्ट है हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? आंसर है इसका सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पे गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? आंसर है इसका मीथेन। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? आंसर है इसका पनीर। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से कौन एक उड़न छिपकली है? ड्रेको। नेक्स्ट यहाँ पे अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट यहाँ पे कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? ओनकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? इसका आंसर है किंग कोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? इसका नाम है हेल शार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? आंसर है प्रोटीन। नेक्स्ट है यहाँ पे, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? इसका आंसर है डाई एसिटिल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? आंसर है इसका लाल रंग। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? आंसर है इसका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइपराइटर यानी कि टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? सोल्स। आंसर है इसका सोल्स। नेक्स्ट यहाँ पे है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? आंसर है इसका एसिटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? आंसर है इसका लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु तत्व कौन समूह है? आंसर है इसका एल्युमिनियम। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? आंसर है इसका कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? आंसर है इसका ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का वनस्पति नाम क्या है? आंसर है इसका मैंगी पेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिंकोरी पूर्ण प्राप्त होता है? आंसर है इसका जड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? आंसर है इसका आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? आंसर है इसका बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? आंसर है इसका तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? आंसर है इसका डेंटाइन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? आंसर है इसका पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? यानी कि चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। ओके, आंसर है इसका ये। नेक्स्ट है यहाँ पे, रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन का उदाहरण है यानी कि इसका आंसर है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। नेक्स्ट है यहाँ पे, केचुए की कितनी आंखें होती हैं? आंसर है इसका एक भी नहीं। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? आंसर है इसका विटामिन ए। आप यहाँ पे कुछ यहाँ पे भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज, अन्य भौतिक राशियों से संबंध, इसके बारे में बात करेंगे। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है यहाँ पे एरिया यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, आयतन यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, इसका फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। नेक्स्ट यहाँ पे द्रव्यमान यानी कि घनत्व, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डेंसिटी, यानी कि इसका फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आय। नेक्स्ट यहाँ पे आवृत्ति, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी, इसका फार्मूला होता है 1/ आवर्तकाल। नेक्स्ट यहाँ पे है वेग, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वेलोसिटी, इसका फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय। नेक्स्ट यहाँ पे है चाल, चाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड, इसका फार्मूला होता है दूरी बटे समय।
नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बल, वो हिंदी में बोलते हैं बल, यानी कि इसका फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, और त्वरण का फार्मूला, त्वरण को बोलते हैं एक्सीलरेशन, इसका फार्मूला होता है वेग बट्टे समय। अब यहाँ पे नाइन्थ नंबर पे वेग, आवेग, आवेग को इंग्लिश में बोलते हैं इम्पल्स, इसका फार्मूला होता है बल गुणा समय। नेक्स्ट यहाँ पे कार्य, कार्य को बोलते हैं इंग्लिश में वर्क, इसका फार्मूला होता है बल गुणा दूरी। नेक्स्ट यहाँ पे है ऊर्जा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एनर्जी, यानी कि फार्मूला होता है बल गुणा दूरी। नेक्स्ट यहाँ पे है शक्ति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर, यानी कार्य बट्टे समय, इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट यहाँ पे संवेग, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मोमेंटम, इसका फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणा वेग। नेक्स्ट यहाँ पे है दाब, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रेशर, इसका फार्मूला होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। नेक्स्ट यहाँ पे प्रतिबल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेस, इसका फार्मूला होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। नेक्स्ट यहाँ पे विकृति, विकृति का फार्म, विकृति को बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेन, इसका फार्मूला होता है बीमा में परिवर्तन बट्टे मूल बीमा। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रत्यास्थ गुणांक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉफिशेंट ऑफ इलास्टिसिटी, इसका फार्मूला होता है प्रतिबल बट्टे विकृति। नेक्स्ट यहाँ पे टेस्ट तनाव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन, इसका फार्मूला होता है बल गुणा लंबाई। नेक्स्ट है यहाँ पे पृष्ठ ऊर्जा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एनर्जी, इसका फार्मूला होता है ऊर्जा बट्टे क्षेत्रफल। नेक्स्ट है यहाँ पे वेग प्रवणता, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वेलोसिटी गार्डियन, इसका फार्मूला होता है वेग बट्टे दूरी। नेक्स्ट यहाँ पे है दाब प्रवणता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, फार्मूला होता है इसका दाब बट्टे दूरी। नेक्स्ट है यहाँ पे श्यानता गुणांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी, फार्मूला होता है इसका बल बट्टे क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता। नेक्स्ट है यहाँ पे कोण, इसको बोलते हैं एंगल इंग्लिश में, और फार्मूला होता है इसका चाप बट्टे त्रिज्या। नेक्स्ट है यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फार्मूला होता है लंबाई बट्टे लंबाई। नेक्स्ट है यहाँ पे कोणीय वेग, कोणीय वेग का फार्मूला, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, फार्मूला होता है इसका कोण बट्टे समय। नेक्स्ट है यहाँ पे कोणीय त्वरण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंगुलर एक्सीलरेशन, फार्मूला होता है इसका कोणीय वेग बट्टे समय। नेक्स्ट यहाँ पे है कोणीय संवेग, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंगुलर मोमेंटम, फार्मूला होता है इसका जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग। नेक्स्ट यहाँ पे है जड़त्व आघूर्ण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मोमेंट ऑफ इनर्सिया, फार्मूला होता है इसका द्रव्यमान गुणा परिभ्रमण त्रिज्या का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है यहाँ पे बल आघूर्ण, इसको बोलते हैं टर्ग्यू, फार्मूला होता है इसका बल गुणा दूरी। नेक्स्ट है यहाँ पे कोणीय आवृत्ति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी, फार्मूला होता है इसका टू पाई गुणा आवृत्ति। नेक्स्ट है यहाँ पे गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटी, फार्मूला होता है इसका बल गुणा दूरी का होल स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है यहाँ पे प्लैंक नियतांक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, फार्मूला होता है ऊर्जा बट्टे आवृत्ति। नेक्स्ट है यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, फार्मूला होता है इसका ऊष्मीय ऊर्जा बट्टे द्रव्यमान गुणा ताप। नेक्स्ट है यहाँ पे ऊष्माधारिता, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हीट कैपेसिटी, फार्मूला होता है इसका ऊष्मीय ऊर्जा बट्टे ताप। नेक्स्ट है यहाँ पे बोल्ट्ज़मैन नियतांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बोल्ट्ज़मैन कॉन्स्टेंट, फार्मूला होता है इसका ऊर्जा अपॉन ताप। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टीफन नियतांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टीफन्स कॉन्स्टेंट, फार्मूला होता है ऊर्जा बट्टे क्षेत्रफल गुणा समय अपॉन ताप का होल स्क्वायर, ताप का होल फोर।
नेक्स्ट है यहाँ पे गैस नियतांक, इसको जैसे बोलते हैं गैस कांस्टेंट। फार्मूला होता है इसका दाब गुणा आयतन अपॉन मोल गुणा ताप। नेक्स्ट है यहाँ पे आवेश, इसको जैसे बोलते हैं चार्ज। फार्मूला होता है विद्युत धारा गुणा समय। नेक्स्ट है यहाँ पे विभवांतर, इसको जैसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। फार्मूला होता है इसका कार्यवट्टी आवेश। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रतिरोध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। फार्मूला होता है विभवांतर बट्टे विद्युत धारा। नेक्स्ट है यहाँ पे धारिता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटी। फार्मूला होता है इसका आवेश बट्टे विभवांतर। नेक्स्ट है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फार्मूला होता है विद्युत बल बट्टे आवेश। नेक्स्ट है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। फार्मूला होता है बल बट्टे विद्युत धारा गुणा लंबाई। नेक्स्ट यहाँ पे है चुंबकीय फ्लक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। फार्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र गुणा लंबाई। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रेरकत्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टेंस। फार्मूला होता है चुंबकीय फ्लक्स बट्टे विद्युत धारा। नेक्स्ट है यहाँ पे वीन नियतांक, फार्मूला होता है इसका वीन्स कांस्टेंट इसको बोलते हैं। और फार्मूला होता है तरंग दैर्ध्य गुणा ताप। नेक्स्ट है यहाँ पे चालकता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टिविटी। फार्मूला होता है 1/ प्रतिरोध। नेक्स्ट है यहाँ पे एंट्रोपी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंट्रोपी। और फार्मूला होता है ऊष्मीय ऊर्जा बट्टे ताप। नेक्स्ट है यहाँ पे गुप्त ऊष्मा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लिए लैटेंट हीट। फार्मूला होता है ऊष्मीय ऊर्जा बट्टे द्रव्यमान। नेक्स्ट है यहाँ पे तापीय प्रसार गुणांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। फार्मूला होता है बीमा में परिवर्तन बट्टे मूल बीमा गुणा ताप। नेक्स्ट है यहाँ पे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वल्क मॉडुलस। फार्मूला होता है आयतन गुणा दाब में परिवर्तन अपॉन आयतन में परिवर्तन। नेक्स्ट है यहाँ पे वैद्युत प्रतिरोधकता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। फार्मूला होता है प्रतिरोध गुणा क्षेत्रफल बटे लंबाई। नेक्स्ट है यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका फार्मूला होता है बल आघूर्ण बटे क्षेत्र। नेक्स्ट है यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक डिपोल मूवमेंट। फार्मूला होता है बल आघूर्ण बट्टे चुंबकीय। नेक्स्ट है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता, फार्मूला होता है इसका चुंबकीय आघूर्ण बट्टे आयतन। नेक्स्ट है यहाँ पे आवर्तनांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फार्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट है यहाँ पे तरंग संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इसके लिए वेव नंबर। फार्मूला होता है 2π अपॉन तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट है यहाँ पे विकिरण शक्ति, इंग्लिश में बोलते हैं इसके लिए रेडिएंट पावर। फार्मूला होता है इसका उत्सर्जित ऊर्जा अपॉन समय। नेक्स्ट है यहाँ पे विकिरण तीव्रता, इंग्लिश में बोलते हैं रेडिएंट इंटेंसिटी। फार्मूला होता है विकिरण शक्ति बट्टे घनकोण। नेक्स्ट है यहाँ पे हबल नियतांक, फार्मूला होता है हबल कांस्टेंट, इसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं। और फार्मूला होता है 25 सरण चाल बट्टे दूरी। अब यहाँ पे बात करेंगे जीव विज्ञान के कुछ यहाँ पे प्रश्न के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है, लैक्टिक अम्ल आंसर है इसका। नेक्स्ट है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट है यहाँ पे कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, ऑर्गेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, आंसर है इसका तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं, आंसर है डेंटाइन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जंतु की आकृति पैर के चबड़ के समान होती है, आंसर है इसका पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे केंचुए की कितनी आँखें होती हैं, आंसर है एक भी नहीं। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, नेक्स्ट आंसर है इसका विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, आंसर है इसका चावल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, आंसर है 1350 ग्राम का।
रक्त में पाई जाने वाली धातु है, आंसर है लोहा इसका। नेक्स्ट यहाँ पे किण्वन का उदाहरण है, यानी कि दूध का खट्टा होना, खाने के ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। ये हमारा कुछ यहाँ पे अभी रिवीजन चल रहा है, और अभी देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। अब बात करेंगे यहाँ पे भारतीय संविधान प्रश्नोत्तर। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? आंसर है इसका 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? आंसर है इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? आंसर है इसका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है इसका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? आंसर है इसका एम एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? आंसर है कैबिनेट मिशन योजना 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की? आंसर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? आंसर है 70। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर कहाँ के संविधान सभा में निर्वाचित हुए? आंसर है बंगाल से। नेक्स्ट है यहाँ पे, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? आंसर है यहाँ पे बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संविधान सभा की प्रारूपी समिति का गठन कब हुआ? आंसर है इसका 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार विमर्श सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? आंसर है इसका स्वराज पार्टी ने 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? आंसर है इसका 26 नवंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा? आंसर है इसका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? आंसर है इसका 444। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कितने अध्याय हैं? आंसर है इसका 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सभा में कितनी अनुसूचियाँ हैं? आंसर है इसका 12। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? आंसर है इसका वर्गीय मताधिकार पर। यहाँ पे इसकी ये बात कर ली थी हमने अभी, ओनोकोलॉजी इसका ये। चलिए, ये भी हमने पढ़ लिया था, इसके फार्मूले। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ मैथ्स के फार्मूलों के बारे में। तो पहला यहाँ पे फार्मूला है, यहाँ पे इसको बोलते हैं अल्फ़ा इसको हम ए लेकर चलेंगे, इसको वी, ठीक है। चलिए फार्मूला देखिए, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट फार्मूला है यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है यहाँ पे ए माइनस यहाँ पे होगा, इसके लिए हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। नेक्स्ट है यहाँ पे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। नेक्स्ट यहाँ पे है टू
यहाँ पे ये ब्रैकेट में बंद है यहाँ पे, ये इसको बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 4ab इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, फिर ब्रैकेट में बंद है यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है यहाँ पे ए बी, इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस बी अपॉन टू का होल ट्वाइस माइनस ए माइनस बी अपॉन टू का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू, और यहाँ पे जो इसका ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। नेक्स्ट है यहाँ पे फार्मूला ए प्लस बी का होल थ्राइज, इसका फार्मूला होगा यहाँ पे ए क्यू यानी कि ए की घात तीन प्लस बी की घात तीन प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। नेक्स्ट है यहाँ पे ए प्लस बी का होल थ्राइज, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए की घात तीन प्लस बी की घात तीन प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। नेक्स्ट है यहाँ पे ए माइनस बी का होल थ्राइज, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए की घात तीन माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी की घात तीन। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे ए की घात तीन प्लस बी की घात तीन, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नेक्स्ट है यहाँ पे ए की घात तीन प्लस बी की घात तीन, इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस बी का होल थ्राइज माइनस थ्री ए स्क्वायर बी माइनस थ्री ए बी स्क्वायर। नेक्स्ट है यहाँ पे ए की घात तीन माइनस बी की घात तीन, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट है यहाँ पे ए की घात तीन माइनस बी की घात तीन, इसको लिख सकते हैं हम ए माइनस बी का होल थ्राइज प्लस थ्री ए स्क्वायर बी माइनस थ्री ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे मान है इसके, बोलते हैं इसको साइन जीरो का मान होता है ज़ीरो, साइन तीस का मान, साइन थर्टी का मान होता है वन अपॉन टू, साइन फोर्टी फाइव का मान होता है वन अपॉन अंडर रूट टू, साइन सिक्सटीन का मान होता है यानी सिक्सटी साठ का मान होता है अंडर रूट थ्री अपॉन टू, साइन नब्बे का मान होता है वन। अब यहाँ पे कॉस इस अपोजिट ऑफ साइन, अगर कॉस इसके अपोजिट है साइन के तो टेन जीरो का मान होता है ज़ीरो, टेन थर्टी का मान होता है वन अपॉइंट अंडर रूट थ्री, टेन फोर्टी फाइव का मान होता है वन, टेन सिक्सटी का मान होता है अंडर रूट थ्री, टेन नाइन्टी का मान होता है इन्फिनिटी। अगर कॉट इज अपोजिट ऑफ टेन तो उसका फार्मूला होता है सेक जीरो का मान होता है वन, सेक थर्टी का मान होता है टू अपॉन अंडर रूट थ्री, सेक फोर्टी फाइव का मान होता है अंडर रूट टू, सेक सिक्सटी का मान होता है टू, सेक नाइन्टी का फार्मूला मान यहाँ पे होता है इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर कॉसेक इज अपोजिट ऑफ सेक तो यहाँ पे फार्मूला होगा यहाँ पे ये, जैसे हम यहाँ पे टू साइन ए कॉस बी, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट यहाँ पे टू कॉस ए साइन बी, इसको लिख सकते हैं हम साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट यहाँ पे है टू कॉस ए कॉस बी, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। नेक्स्ट यहाँ पे है टू साइन ए साइन बी, इसको लिख सकते हैं हम कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। नेक्स्ट यहाँ पे साइन ए प्लस बी, इसको लिख सकते हैं हम साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉस ए प्लस बी, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट है यहाँ पे साइन ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉस ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट है यहाँ पे टेन ए प्लस बी, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे टेन ए
प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। नेक्स्ट है यहाँ पे टेन ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉट ए प्लस बी, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। नेक्स्ट यहाँ पे है कॉट ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। नेक्स्ट है यहाँ पे साइन ए प्लस बी, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉस ए प्लस बी, इसको लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, या साइन ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट यहाँ पे कॉस ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट यहाँ पे टेन ए प्लस बी, इसको लिख सकते हैं टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। नेक्स्ट है यहाँ पे टेन ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। नेक्स्ट यहाँ पे कॉट ए प्लस बी, इसको लिख सकते हैं कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। नेक्स्ट यहाँ पे कॉट ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। नेक्स्ट यहाँ पे ए अपॉन साइन ए, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे बी अपॉन साइन बी। ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी, इसको टू होता है टू आर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे अल्फ़ा, अल्फ़ा को लिख सकते हैं हम यहाँ पे बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी बीटा, ए बीटा बोल सकते हैं इसके लिए, बी बोल सकते हैं, ठीक है। बराबर इसको लिख सकते हैं ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, सी को लिख सकते हैं ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। नेक्स्ट यहाँ पे कॉस ए को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी। कॉस बी को लिख सकते हैं यहाँ पे हम सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू सी ए। कॉस सी को लिख सकते हैं हम यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू सी ए। अगर लैम्डा इजकल टू ए बी सी अपॉन फोर आर है। नेक्स्ट यहाँ पे साइन थीटा का मान होता है ज़ीरो, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं एन फाई, साइन थीटा को लिख सकते हैं वन। अगर साइन थीटा इजकल टू वन देन थीटा इजकल टू फोर एन प्लस वन अपॉन फाई टू लिख सकते हैं इसको। अगर साइन थीटा इजकल टू माइनस वन है तब इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे थीटा इजकल टू फोर एन माइनस वन अपॉन पाई टू। अगर साइन थीटा इजकल टू साइन ए है देन थीटा इजकल टू लिख सकते हैं हम यहाँ पे एन फाई माइनस वन अपॉन एन ए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, अब यहाँ पे साइन टू ए हम इसको लिख सकते हैं टू साइन ए कॉस ए। अगर कॉस टू ए है तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर कॉस टू ए इसको कॉस टू ए है इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। अगर कॉस टू ए है तो इसको लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर टू साइन स्क्वायर ए है तो इसको लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू ए। अगर वन प्लस साइन टू ए है तो इसको लिख सकते हैं टू साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर कॉस ए का होल स्क्वायर। अगर वन माइनस साइन टू ए है तो इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अगर वन माइनस साइन टू ए है तो इसको लिख सकते हैं साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अगर टेन टू ए है तो इसको लिख सकते हैं हम टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। अगर साइन टू ए है तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर कॉस टू ए है दिया हुआ तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट है यहाँ पे फोर साइन क्यू, यानी कि घात तीन बोलते हैं इसके लिए, टू साइन क्यू ए, इसको लिख सकते हैं थ्री साइन ए माइनस साइन थ्री ए। नेक्स्ट है यहाँ पे फोर कॉस थ्री ए, इसको लिख सकते हैं हम थ्री कॉस ए प्लस कॉस थ्री ए। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकल टू होता है वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसकल टू होता है वन, कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है वन। अगर साइन थीटा इसकल टू साइन थीटा को लिख सकते हैं हम वन अपॉन कॉस सेक थीटा।
कॉसेक थीटा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। अगर कॉसेक थीटा है तो इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन थीटा। अगर कॉस थीटा है तो इसको लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। और अगर सेक थीटा है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर टेन थीटा है तो इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा है दिया हुआ तो इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन टेन थीटा। अगर टेन थीटा है तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे ये यहाँ पे फार्मूले दिए हुए थे, अब यहाँ पे बात करेंगे फुल फॉर्म की। ओके, तो बी ए आपने देखा होगा शॉर्टकट में, तो इसको फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ आर्ट्स। नेक्स्ट है यहाँ पे एम ए, इसकी फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ आर्ट्स। नेक्स्ट है बी टेक, इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। वी एस सी, इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ साइंस। नेक्स्ट है एम एस सी, इसकी फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ साइंस। नेक्स्ट है बी एस सी ए जी, इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है एम एस सी ए जी, इसकी फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है एम बी बी एस, इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। नेक्स्ट है बी ए एम एस, इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी। नेक्स्ट है यहाँ पे एम डी, इसकी फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट है यहाँ पे एम एस, इसकी फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ सर्जरी। नेक्स्ट यहाँ पे है पी एच डी या टी फिल, इसकी फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी आर्ट्स एंड साइंस। नेक्स्ट है यहाँ पे डी लिट या लिट, इसकी फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर या डॉक्टर ऑफ लेटर्स। नेक्स्ट है डी एस सी, इसकी फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ साइंस। नेक्स्ट है बी कॉम, बी कॉम की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट है एम कॉम, एम कॉम की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ कॉमर्स। आपने देखा होगा यहाँ पे डी आर लिखा होता है शॉर्टकट में, इसमें बोलते हैं डॉक्टर। नेक्स्ट है यहाँ पे डी पी, इसको बोलते हैं ब्लड प्रेस बी पी, इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है यहाँ पे एम आर देखा होगा, लिखा हुआ आपने, इसको बोलते हैं मिस्टर। और एम आर एस, इसको बोलते हैं मिस्ट्रेस, मिसेज, मिस्टर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे एम एस देखा होगा लिखा हुआ, तो एम एस मिस, इसको यूज़ करते हैं फीमेल मैरिड एंड अनमैरिड। एम एस, अब यहाँ पे मिस है यूज फॉर इज बिफोर अनमैरिड गर्ल्स। अनमैरिड गर्ल्स यहाँ पे यूज़ करती हैं लड़कियाँ यहाँ पे ये इसको। अब यहाँ पे है एम पी, एम पी की फॉर्म होती है मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट यहाँ पे एम एल ए, इसकी फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट है यहाँ पे एम एल सी, इसकी फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट है यहाँ पे पी एम, इसकी फुल फॉर्म होती है प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट सी एम, चीफ मिनिस्टर। सी इन सी, इसकी फुल फॉर्म होती है कमांडर इन चीफ। नेक्स्ट है एल डी सी, इसको फुल फॉर्म होती है लोअर डिवीजन क्लर्क। यू डी सी, अपर डिवीजन क्लर्क। इट गवर्नमेंट, इट जी ओ वी, इसकी फुल फॉर्म होती है लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट है डी एम, डी एम की यहाँ पे फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है यहाँ पे आई टी ओ, इनकम टैक्स ऑफिसर, फुल फॉर्म होती है ये बी आई पी, इसकी फुल फॉर्म होती है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आई टी ओ, इसकी फुल फॉर्म होती है इनकम टैक्स ऑफिसर। नेक्स्ट है सी आई डी, इसकी फुल फॉर्म होती है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है सी ओ, इसको बोलते हैं केयर ऑफ, और एस ओ सन ऑफ। सी बी आई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे जी पी ओ, जी पी ओ की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सी बी आई की, और जी पी ओ की होती है जनरल पोस्ट ऑफिसर ऑफिस। एच क्यू, एच क्यू, इसकी फुल फॉर्म होती है हेड क्वार्टर्स। नेक्स्ट यहाँ पे ई ओ ई, इसकी फुल फॉर्म होती है एरर एंड ऑमिशंस एक्सेप्टेड। नेक्स्ट यहाँ पे के जी, इसको बोलते हैं किलोग्राम, के डब्ल्यू किलोवाट, जी एम ग्राम। अब नेक्स्ट है यहाँ पे आपने देखा होगा एल टी डी, इसको बोलते हैं लिमिटेड। एम पी एच, मिल्स पर आवर्स, के एम
पीएच, इसको बोलते हैं किलोमीटर पर आवर, पीटीओ प्लीज टर्नओवर, पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में है ये। नेक्स्ट है यहाँ पे यूपी, यूपी की फुलफॉर्म होती है उत्तर प्रदेश, एमपी की मध्य प्रदेश, एचपी की हिमाचल प्रदेश, और यूएनएओ को बोलते हैं यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ की फुलफॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बीबीसी की फुलफॉर्म होती है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, बीसी की होती है बी फोर क्रिसमस क्रस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे एसी की फुलफॉर्म होती है एयर कंडीशनर्ड, आईजी की फुलफॉर्म होती है इंस्पेक्टर जनरल यानी ऑफ पुलिस, डीआईजी की होती है डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एसपी एसएसपी की होती है सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी की होती है डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएम की होती है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसएम की होती है यहाँ पे स्टेट मास्टर, एएसएम की असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, बीसी की फुलफॉर्म होती है वाइस चांसलर, एजी की फुलफॉर्म होती है यहाँ पे अकाउंट जनरल। नेक्स्ट है यहाँ पे सीआर की फुलफॉर्म होती है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे आईएएस की फुलफॉर्म होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेट सर्विस। नेक्स्ट है यहाँ पे आईपीएस की फुलफॉर्म होती है इंडियन पुलिस सर्विस। आईएफएस की फुलफॉर्म होती है इंडियन फॉरेन सर्विस या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन सर्विस यानी कि विदेश विदेश में सेवा या जंगलों की सेवा। आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस, पीसीएस प्रोविजनल सिविल सर्विस, एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। नेक्स्ट है यहाँ पे बात करेंगे फुल फॉर्म ऑफ सम टेक्निकल वर्ड्स, जैसे वायरस, इसकी फुल फॉर्म होती है वीटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर साइज्ड, 3G इसको बोलते हैं फुल फॉर्म होती है थर्ड जनरेशन, GSM ग्लोबल सिस्टम ऑफ फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, CDMA फुल फॉर्म होती है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, UMTS इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, सिम की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट है ABI की फुल फॉर्म होती है ऑडियो वीडियो इंट्रीलिप, RTS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम स्ट्रीमिंग, सिस की फुल फॉर्म होती है सिम्बियन OS इंस्टॉलर फाइल, AMR की फुल फॉर्म होती है अडेप्टिव मल्टी रेट कोडेक, JAD की फुल फॉर्म होती है जावा एप्लीकेशन डिस्ट्रैक्टर, JAR की फुल फॉर्म होती है जावा अर्चीव, JAD की फुल फॉर्म होती है जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर, 3GPP की फुल फॉर्म होती है थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, 3GP की फुल फॉर्म होती है थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट, MP3 की फुल फॉर्म होती है MPEG प्लेयर 3, MP4 की फुल फॉर्म होती है MPEG 4 वीडियो फाइल, AAC की फुल फॉर्म होती है एडवांस ऑडियो कोडिंग, GIF की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, JPEG की फुल फॉर्म होती है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, BMP की फुल फॉर्म होती है बिटमैप, SWF की फुल फॉर्म होती है शॉक वेव फ्लैश, WMB की फुल फॉर्म होती है विंडोज मीडिया वीडियो, WMA की फुल फॉर्म होती है विंडोज मीडिया ऑडियो, WAB की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे वेव फॉर्म ऑडियो, PNG की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, DOC की फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, PDF की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, M3G की फुल फॉर्म होती है मोबाइल 3D ग्राफिक्स, M4A की फुल फॉर्म होती है MPEG4 ऑडियो फाइल, एंथ्रो नोकिया थीम सीरीज 40, THM की फुल फॉर्म होती है थीम यानी कि सोनी रेशियन, MMF की फुल फॉर्म होती है सिंथेटिक म्यूजिक मोबाइल एप्लीकेशन फाइल। नेक्स्ट यहाँ पे NRT फुल फॉर्म होती है नोकिया रिंगटोन, XMF की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल, WPMP की फुल फॉर्म होती है वायरलेस बिटमैप इमेज, DBX की फुल फॉर्म होती है डिविक्स वीडियो। नेक्स्ट है यहाँ पे HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, WML की फुल फॉर्म होती है वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क,
CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, DAT की फुल फॉर्म होती है डिजिटल ऑडियो टेप, DOS की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UPS की फुल फॉर्म होती है इंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। नेक्स्ट यहाँ पे HSDP की फुल फॉर्म होती है हाई स्पीड डाउन लिंक पैकेट एक्सेस। नेक्स्ट यहाँ पे EDGE की फुल फॉर्म होती है इन्हेंस्ड डाटा रेट फॉर एवोल्यूशन। नेक्स्ट है यहाँ पे GSM की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे BHF की फुल फॉर्म होती है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, UHF की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, GPRS की फुल फॉर्म होती है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, WAP की फुल फॉर्म होती है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ARPANET की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट यहाँ पे IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, HP की फुल फॉर्म होती है हैवलेट पैकार्ड AM या FM, इसकी फुल फॉर्म होती है एम्पलीट्यूड और FM की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल। नेक्स्ट यहाँ पे अब बात करेंगे, यहाँ पे ये कुछ नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे ये इसको हटाते हैं। यहाँ पे अब बात करते हैं, यहाँ पे चार अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, पांच तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। छह दर्शन वैशेषिक न्याय सांख योग पूर्व मीमांसा दक्षिण मीमांसा। 10 दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान नैऋत्य वायव्य अग्नि आकाश एवं पाताल। 12 मास चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माह फागुन। 15 तिथियाँ प्रतिपदा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठमी सप्तमी अष्टमी नवमी एकादशी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा अमावस्या। स्मृतियाँ मनु विष्णु अत्रि हारित याग्लब उशासना अंगीरा यम आप स्तंभ सर्वत कात्यायन बृहस्पति पराशर व्यास सांक लिखित दक्ष। तो ये थी हमारी यहाँ पे जो पूरी कुछ क्षेत्रों की महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और जो भी व्यक्ति हमारे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ डेली न्यूज़ अपडेट्स एजुकेशन के हर फील्ड्स की सम टिप्स ट्रिक्स एंड कुछ जानकारियाँ शेयर की जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पे थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी, हर फील्ड्स की जानकारियाँ थी। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा फेसबुक का यहाँ पे जो अकाउंट बना हुआ है उसका नाम है UWT नेटवर्क, इंस्टाग्राम पे है यहाँ पे नाम है इसका UWT नेटवर्क 1, ट्विटर पे है इसका नाम Tejendra77 और यूट्यूब पे UWT नेटवर्क। हमारा एक ब्लॉग चैनल है यो तेजेंद्र ब्लॉग नाम से, तो उसको भी आप देखिएगा, सपोर्ट रहेगा आप सभी का इसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं। और मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।